सनबीम एकेडमी में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भेलूपुर स्थित एक तारांकित होटल में आयोजित इस सम्मान समारोह में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। सनबीम एकेडमी के विद्यार्थियों ने इस वर्ष इतिहास रचते हुए सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। 12वीं में कुल 34 विद्यार्थियों ने एवं 10वीं में कुल 77 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। विद्यालय के इस्तेहास सिंह ने 12वीं में 97.2% एवं समर्थ सिंह ने 10वीं में 98.8% अंक प्राप्त करके जिले में मेरिट में अपना नाम स्थान दर्ज कराया। सम्मान समारोह का प्रारंभ मुख्य अतिथि दीपक शुक्ला, विद्यालय के सचिव जगदीप मधोक, निदेशिका पूनम मधोक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य के पंडा के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर के साथ हुआ। तत्पश्चात मेधावियों को सम्मान देने के क्रम में विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ सम्मान प्राप्त करने स्टेज पर पहुंचे। विद्यालय के सचिव, निदेशिका, प्रधानाचार्य एवं ऑपरेशन हेड रोहन मधोक के हाथों सम्मान प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थियों के चेहरे हर्षोल्लास से आनंदित दिखे। विद्यालय के कुल 111 विद्यार्थियों को यह सम्मान दिया गया। वाराणसी से राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समझ सही है, समझ जी कहाँ पढ़ाई करते हैं और आप आज किस तरीके का फंक्शन रखा गया, आपको अवार्ड मिला है इसके बारे में? हाई स्कूल सनबीम एकेडमी सामने घाट से पास आउट किया है और आज हमारे यहाँ डायमंड होटल में सनबीम एकेडमी की तरफ से फेलिसिटेशन टॉपर्स की फेलिसिटेशन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कितने परसेंट आपको मिले? मुझे 98.8% मिले। इस अचीवमेंट के लिए आप किसको मानते हैं, किसकी वजह से ये अचीवमेंट आपको मिली है? मेरे पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क किया और बहुत तगड़े हमारे ऊपर। कोई ऐसा एक किस्सा बताइए जिसमें पेरेंट्स जैसे होता है कि एग्जामिनेशन आते हैं तो मम्मी फादर रात भर जागते हैं ताकि हमारा बेटा भी जाग के पढ़ता रहे, तो ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ या मम्मा आपको कुछ कहती हो कि इस तरीके से आप करो तो आप टॉप करोगे? रात में जगने का नौबत हमें भी नहीं आई, पेरेंट्स को। तो ऐसा कुछ नहीं, आपके मन से ही आपने, आप अपने स्कूल के लिए क्या कहना चाहोगे कि स्कूल का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसमें? स्कूल हमारे बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। 9th में हमने अली के लिए क्वालिफाई किया था तो स्कूल की तरफ से हमें दो साल की स्कॉलरशिप भी मिली थी और फिर 11th में स्कूल फिर हमें 2 साल की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो स्कूल में फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, कम्प्लीट एजुकेशन और कॉपरेशन रहा है। क्या ख्वाहिशें हैं आगे आप? आगे हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, UPSC। परिचय बता दें अपना। अवधेश जी, आज आप एक फंक्शन में आए हुए हैं, इस फंक्शन के बारे में बताइए क्या अचीवमेंट मिली हुई है आपके बेटे को, किस वजह से ये फंक्शन रखा गया? मेरा बेटा 10th में सनबीम एकेडमी सामने घाट हाई स्कूल से, उन्होंने 10वीं में 98.8% किस तरीके की अचीव इस तरीके की अचीवमेंट जो इनको मिली है, क्या किसका रोल रहा है सबसे ज़्यादा इसमें, इस अचीवमेंट के लिए? इसमें उनका खुद रहा बच्चे का। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं आप? BSNL में सब डिविजनल इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस है निदेशक, मेरी पत्नी जो है। आज इस फंक्शन में आए, बेटे की वजह से आपको सम्मानित किया गया, कैसी अंदर से फीलिंग आई आपको? अच्छी फीलिंग। क्या लगा एक मन में कि जो लाइफ का जो एम था वो लगभग कंप्लीट होने के है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं कि जो इस अचीवमेंट तक पहुंच पाते हैं, तो एक फादर हैं आप, फादर होने के नाते क्या फीलिंग्स है आपकी, उसको थोड़ा हमें बताइए। अभी तो खुशी मिल ही रही है। मेरा नाम दीपक शुक्ला है और मैं भी सनबीम एकेडमी का ही एक स्टूडेंट रहा हूँ। मैं यहाँ से 1997 से पास आउट किया हूँ और अब मैं अपनी एक संस्था चलाता हूँ IMS नाम से, जिसकी कि मैं उत्तर प्रदेश का हेड हूँ और मैं आज यहाँ पे एज अ गेस्ट आया हूँ, जबकि मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक इनसाइडर ही हूँ, पर मुझे आज याद किया मैम ने और मैं भी आज यहाँ पर सम्मिलित होने आया हूँ इस कार्यक्रम में। कैसी फीलिंग है आपको जिस स्कूल से आपने पढ़ा, उसी के चीफ गेस्ट, उसी के फंक्शन में? बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे समय पे ये जो कार्यक्रम हुआ करता था वो जल्दी सिमट जाया करता था, बट अब लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम लगातार 1.5 से 2 घंटे ताली बजाते रहें तभी भी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। सो ये सबसे ज़्यादा
हार्टनिंग है, सबसे ज़्यादा खुशी का बात है देखने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि संदीप एकेडमी हर एक वर्ष के साथ साथ जैसे वो ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए भी बिल्कुल एक बड़ा मोमेंट है, एक प्राइड का मोमेंट है इसको विटनेस करना, इसको देखना। तो मैं रोहन सर और पूनम मैम, जगदीप सर को सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इसमें सम्मिलित होने का मौका दिया। आप अपने स्कूल के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म संदीप एकेडमी से मिला है, उन्होंने ऑलरेडी अपना जो एबिलिटी है उसको एक बार प्रूव किया है, बट इसके बाद भी वो रिलैक्स ना हो, आराम से ना बैठे। ये एक अच्छा मौका है ये यकीन करने के लिए कि आगे की भी जो रास्ता है वो तय कर सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। साधना जी, आज एक कार्यक्रम में आप आई हुई थी, आपको मंच पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया आपके बेटे की वजह से, कैसा लगा आपको? आपका क्या रोल रहा है, किस तरीके से आप अपने बेटे की हेल्प करती थी पढ़ाई में? स्कूल से घर आते होंगे और फिर ट्यूशन जाते होंगे, सारा कुछ मैनेज करना, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खान पान उनका, न्यूट्रिशन का उनका ध्यान रखना, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे उनका क्या बिहेवियर घर पे रहता है और आप किस तरीके से उनकी हेल्प करती हैं? तो हमेशा से ही ऐसे टॉप करते आए हैं या? आपको अपने बेटे को क्या तमन्नाएं हैं? अच्छा करे, अच्छा। आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा आगे, जैसे कि उसने बताया कि वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, आपका कुछ एम है कि मेरा बेटा किस फील्ड में आगे जाए? और भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कहा जाता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई टॉप करता है तो कोई नंबर ग्रेड हो जाता है, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने बेटे को इस तरीके के अचीवमेंट हासिल करने के लिए प्रेरणा दें? बच्चे धीरे धीरे कोशिश करते करते निकल जाते हैं।